नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो सालसा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है, खाने में ही सबको बहुत पसंद आता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए देखें पोटैटो सालसा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिया है 4 चम्मच मेयोनीज, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच के करीब मैंने सॉस ली है, ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है मैंने 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 चम्मच, मिक्स हर्ब्स लिए हैं 1/2 चम्मच, साथ में मैंने प्याज लिए हैं जिनको बिल्कुल बारीक काट लिया है। अगर आपके पास ड्राई ओनियन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक लिया है मैंने, कुटी हुई काली मिर्च ली है, साथ में मैंने एक नींबू का रस लिया है। इसके साथ मैंने दूध लिया है। जब मैं इसकी मेयोनीज बनाऊंगी, अगर वो गाढ़ी होगी तो मैं उसमें इसका इस्तेमाल करूंगी। इसी के साथ मैंने लिए हैं आलू, छोटे आलू लिए हैं मैंने, और इसको मैंने एक सीटी लगवा ली है। तो आइए अब हम तैयारी करते हैं इसको बनाने की। इसी के साथ मैंने तेल भी लिया है जिसमें मैं ये आलूओं को फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने एक चकला ले लिया है, इसके ऊपर मैं आलू को रख लूंगी और हथेली की मदद से हल्के हाथ से दबाऊंगी मैं इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने इस आलू को दबा लिया है, और इस तरह से मैं सारे आलूओं को तैयार कर लूंगी एक एक करके। दूसरा आलू लूंगी, उसको भी मैं हल्के हाथ से दबा दूंगी। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी नमी है वो खत्म हो जाएगी, और जब मैं इसको डीप फ्राई करूंगी तो ये टूटेंगे नहीं। अब यहाँ सबसे पहले मैं मेयोनीज से एक सॉस तैयार कर लूंगी इसकी। इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच मेयोनीज लिए है, जिसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब सॉस डाल दूंगी। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं ड्राई गार्लिक पाउडर डालूंगी इसके अंदर, 1/2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब, मिक्स हर्ब्स डालूंगी 1/2 चम्मच, और नमक डाल दूंगी थोड़ा सा मैं। इसके साथ डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च, प्याज को डाल दूंगी मैं, और साथ में मैं डाल दूंगी नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस डालूंगी मैं इसके अंदर, और मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। सॉस हमारी बनकर तैयार हो गई है, थोड़ी सी गाढ़ी है। इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच के करीब दूध डालूंगी, और मैंने नमक चेक किया था, नमक भी इसमें कम था, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी और डालूंगी, और मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। सॉस हमारी बनकर तैयार हो गई है, और इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए ये। अब मैं कॉर्नफ्लोर का एक घोल बना लूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, और इसी के साथ डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा नमक, और इसको मैं मिला लूंगी, और पानी डाल के इसका एक पतला घोल तैयार कर लूंगी, और ज्यादा पतला घोल नहीं बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखिए मैदे का घोल भी हमारा बनकर तैयार हो गया, इतना ही पतला मुझे ये घोल चाहिए। तो अब मैं बनाने की तैयारी करती हूँ पोटैटो सालसा। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये आलू है इनको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, पूरी तरह से सेट हो गए हैं ये आलू। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने मैदे के घोल को अच्छी तरह से हिला लिया है, थोड़ी देर रखने से कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, उसको मैंने हिला लिया है। तेल को मैंने चेक कर लिया, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से इसके अंदर डिप करूंगी सिर्फ, और इसको मैं फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। आलू हमारे उबलते वक्त पूरी तरह से पक गए हैं, मगर मैंने इसको सिर्फ क्रिस्पी करने के लिए इसमें डाला है, कि क्रिस्पी हो जाएंगे और पूरी तरह से पक जाएंगे। अब हम सभी आलूओं को एक एक करके पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक एक आलू को उठा के पलट देंगे। सभी आलूओं को मैंने एक बार ही पलट दिया था, और चेक करते हैं अभी ये क्रिस्पी हो रहे हैं। अभी हमने इनको और भी अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है, तो अभी हम 2 से 3 मिनट तेल गैस पे इसको पकाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से क्रिस्पी होने शुरू हो गए, और ये लाल होने लग गए हैं। ये देखिए अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। इससे पहले मैं और सभी आलूओं को एक एक करके पलट दूँगी। ये देखिए फ्रिज में रखने से एक फ़ायदा होता है आलूओं का,
कि आलू सेट हो जाते हैं। अगर फ्राई करते हैं तो ये टूटते नहीं हैं आसानी से। ये देखिए मैं सब आलूओं को निकाल लूँगी टिश्यू पेपर में। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, पूरी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। इसी के साथ मेरे जो और आलू थे इनको भी मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। अब मैं ये देखिए ये वाले आलू भी हमारे पककर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी पहले और 5 से 7 मिनट इनको भी पकाऊंगी मैं। अब तेज गैस पे पकाऊंगी। दूसरी बारी भी जो मैंने पोटैटो डाले थे वो भी हमारे देखो क्रिस्पी हो गए पूरी तरह से। अब मैं इनको भी एक टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। ये देखिए पोटैटो हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक एक करके प्लेट में लगा लूँगी। सभी पोटैटोज को मैंने एक प्लेट में लगा लिया है और अब मैं इसके ऊपर सॉस डालूंगी। सॉस को मैं अच्छी तरह से हिला लूँगी पहले और इसके ऊपर अच्छी तरह से सॉस से मैं कवर कर दूंगी इसको। सभी पोटैटोज के ऊपर मैंने सॉस को लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और साथ में डालूंगी मैं मिक्स हर्ब्स। तो देखिए हमारे पोटैटो सालसा बनकर तैयार हो गए हैं। हमारा पोटैटो सालसा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर ड्राई ओनियन की जगह प्याज काट के डाला था और मैंने यहाँ पर ड्राई गार्लिक डाला है। अगर आप उसकी जगह गार्लिक काट के भी डालेंगे तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर करें, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरा बनाया पोटैटो सालसा पसंद आया तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।